दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी का क्रेज देखकर मंत्री अमित शाह के भी होश उड़ गए हैं। डंकी का फिलहाल भारत के अंदर बहुत बड़ा क्रेज बन चुका है। वही बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज डंकी पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी डंकी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शाहरुख खान की तारीफ करते नजर आए। वही कहते हैं कि किसी स्टार का ऐसा आज से पहले ऐसा क्रेज नहीं देखा। डंकी विदेशों में बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है और शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। दोस्तों, डंकी हॉलीवुड और हिंदी में इतना तहलका मचाने वाली है कि बाकी फिल्मों को आप भूल जाओगे। डंकी 1000 करोड़ आसानी से कर देगी। वही प्रशांत नील और प्रभाष, इनका साउथ से ही कलेक्शन 400 करोड़ होने वाला है, लेकिन हिंदी में चलना मुश्किल है, इसलिए डंकी को जीरो समझने की गलती बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि राजकुमार हिरानी इतने पागल नहीं हैं जो ट्रेलर में ही फिल्म की कहानी दिखा दे। इसलिए फिल्म रिलीज होने का इंतजार करो, फिर होगा असली धमाका। दोस्तों, वायारिफ भी डंकी के सपोर्ट में आ चुका है और डंकी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने की बात कही है। सलार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच वायारिफ ने गेम चेंज कर डाला है। डंकी 8000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जवान को लगभग 10000 स्क्रीन दुनिया भर में मिले थे, लेकिन अब डंकी भी 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। सलार वाले जानबूझकर उसमें उंगली करेंगे तो हिंदी में नुकसान सलार का होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सलार को स्क्रीन देने से पहले पिछली फिल्म आदिपुरुष का रिकॉर्ड देखेंगे। तो ये तो सबको मालूम है, फिलहाल शाहरुख सबसे आगे चल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना फायदा देखेंगे और सलार को हिंदी में स्क्रीन कम मिलेंगे। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और 3 इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सलार भी अच्छी फिल्म होगी क्योंकि उसको प्रशांत नील बना रहे हैं, लेकिन उनमें इतना तो दिमाग होगा कि अगर हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ करना है तो डंकी से 20 दिन बाद या 20 दिन पहले रिलीज करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है डंकी कितना कलेक्शन करेगी?